शाह किम जोंग उन ने क्रूरता के मामले में सारी हदें पार कर ली हैं। उसकी क्रूरता के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं। कभी वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को तोप के उड़ा देता है, तो कभी छोटी सी गलती करने वाले अपने रिश्तेदार को भूखे जंगली कुत्तों के सामने डलवा देता है। अब कसाई किम की एक भयंकर क्रूरता सामने आई है। हाल ही में उत्तर कोरिया की जेल से भागे कैदी ने खुलासा किया है कि वहां विदेशी टीवी शो देखने के लिए भी भयानक सजा दी जाती है। वहां कैदियों को जेल में अपने मृत साथी कैदियों के शवों के राख से भरी नदी का पानी पीने पर मजबूर किया जाता था। कैदी ने बताया कि उत्तर कोरिया के चोंचरी कंस्ट्रक्शन कैंप में कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता है। ऐसे किस्से सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जा सकते हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन काफी जालिम है। उसकी क्रूरता हरकतों के किस्से अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं। अब उत्तर कोरिया से भागे एक कैदी ने नया खुलासा किया है कि वहां जेल में मृत कैदी साथियों का राख मिला। पानी अन्य कैदियों को पीने के लिए मजबूर किया जाता है। अब उत्तर कोरिया से भागे एक कैदी ने नया खुलासा किया है कि वहां जेल में मृत कैदियों के साथियों का राख मिला। पानी अन्य कैदियों को पीने के लिए मजबूर किया जाता है। यह खुलासा अमेरिका में हुआ है। वहां मानव अधिकारों के लिए कार्यरत वाशिंगटन स्थित एक समिति ने इस कैदी का इंटरव्यू लिया है। सुरक्षा कारणों से कैदी के नाम और पहचान को गुप्त रखा गया है। उसने यह भी बताया कि मृत कैदियों के शवों को जलाने से पहले एक गोदाम में रखा जाता है, जहां चूहे और अन्य जीव उसे खाते भी हैं। इस टीम ने सैटेलाइट इमेज की मदद से कैदी की कई बातों की पुष्टि भी की। इस कैंप में दक्षिण कोरिया का कोई टीवी चैनल देखने या फिर ईसाई धर्म का पालन करने पर लोगों को कैद किया जाता है। जेल को एकाग्रता शिविर का नाम देकर अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। हर सप्ताह यहां किसी न किसी कैदी की मौत भी हो जाती है, जिसे कैंप के अंदर बने शवदाह गृह में जला दिया जाता है। उस पूर्व कैदी ने बताया कि कैंप में हर सप्ताह सोमवार को लाशों को जलाया जाता है। यह जगह एक घर की तरह दिखती है। इसमें बने एक गोल टैंक में हम लाशों को रख देते हैं, जिसकी गंध से वहां रहना भी मुश्किल होता है। बाद में लाशों की राख को हम इस शवदाग्रह के बाहर ढेर लगाकर रख देते हैं, जिसका इस्तेमाल खेती में खाद के रूप में किया जाता था। जब भी बारिश होती थी तो शवों की राख बहकर पास की नदी में मिल जाती थी। हमें इसी नदी का पानी पीने और नहाने के लिए दिया जाता था। यहाँ चोट, बीमारी या जेल अधिकारियों द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण सबसे अधिक मौतें होती थी। उसकी सनक और क्रूरता के बारे में तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिक्र किया था। उन्होंने रेड किताब के लेखक बॉब वुडवर्ड को बताया था कि किम ने अपने फूफा जोंग सांग थायक की सिरकटी लाश को उत्तर कोरिया के अधिकारियों को दिखाया था। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।